हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 2021 के जो आपके जीडी और डीवी के एग्जामिनेशन हुए हैं। आज आपके जो 20 मार्च 2021 के आज जो आपके एग्जामिनेशन थे, उनके सारे एग्जामिनेशन के रिव्यू बताएंगे और सारे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन हमें मिले हैं बच्चों के द्वारा, उन सभी को बताएंगे कि आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। और एक बच्चे बहुत ही सैड न्यूज़ है जो कि आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, और वो सुनकर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा। हमारे कितने सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर हमें मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा यह प्रॉब्लम है, तो उन सारे बच्चों को हमने बहुत सारी चीज़ बताई भी हैं और आज यहाँ पर हम आपको उन सभी चीज़ों को क्लियर करके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं, वीडियो की ओर ले जाते हैं। और बच्चे, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि वीडियो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। ताकि क्या होगा बच्चे, आपको इससे जितने भी हमारे द्वारा अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाएंगे उन सभी को आपको गेट कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो बच्चे पूरा देखते नहीं हैं और आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको आप हमेशा पूरा वीडियोस देख लीजिए और फिर आपको इसके बावजूद भी आपको कोई आपको एक्स्ट्रा डाउट होते हैं तब आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, चलिए हम आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि चलिए सबसे पहले कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। कुछ कुछ बच्चे ने हमें भेजा था क्वेश्चंस, तो हम आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने कहा है कि सर सेकेंड शिफ्ट जीके में आपके जो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम हुए थे उसमें जीके में आपको पूछा गया था कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा है कि यहाँ पे कहा जा गया था 2019 में ओपिया खेलों में सबसे क्या बच्चे, ओपिया खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले देश का नाम आपको बताना था। इंडिया, चाइना, यूएसए, वन ऑप्शन और था, एक और ऑप्शन और था, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था आपका, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको थोड़ा। एक बच्चे ने कहा था, इसी बच्चे ने कहा था, राज जी ने कहा था कि ये आपको एक क्वेश्चन था कि फोर वस्तु का एवरेज यानी चार ऑब्जेक्ट का एवरेज 35 है और तीन वस्तु का एवरेज 50 है, तो सेवन का एवरेज क्या हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है आपके, जब हम आपको सैंपल पेपर समझा रहे थे बच्चे, तो वहाँ पे भी इस टाइप के हमने क्वेश्चंस आपको समझाया था। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन सिंपल सब है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए देखिए यहाँ पे बच्चों ने कहा है कि सर लॉग जेड डीवाई बाई डी एक्स और एक था सेक एक्स माइनस साइन एक्स कॉसिक्स एक्स कॉसिक एक्स माइनस कॉटेक्स होना चाहिए, यहाँ पे कॉसिक्स कुछ एक था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। कहने का मतलब यानी आपको जो था यहाँ पे आपको साइन एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा था और यहाँ पे आपको क्या करना था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। और कहा यहाँ पे बच्चों ने यह भी कहा है कि सर जो आप फंक्शन ऑफ फंक्शंस कल बताए थे उसमें से आया था, यानी जो हमने बच्चों कल आपको फंक्शन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन हमने जो दिए थे उसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो हमारे द्वारा जितने भी बच्चे मैथ्स के जीडी के द्वारा मैथ्स के फिजिक्स और आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए गए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेज वन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बच्चों ने बोला कि सर आपसे बहुत सारा बताया था उसमें से क्वेश्चन आया है, तो आप पढ़िए उसको, आप डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चे हम जो भी आपको बताते हैं सिलेबस में आपको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ आपके सैम्पल पेपर को भी ध्यान में रखते हुए हम आपको कोई भी चीज़ को सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और बच्चे ने कहा है, अमर ज्योति ने कहा है कि सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स यानी एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया था, तो हमने आपको जब डेरिवेटिव सिखाया था तो इस टाइप का भी डेरिवेटिव हमने आपको बताया था। ये सिंपल डेरिवेटिव है, कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इसका एक सिंपल डेरिवेटिव है, इसको आप कैसे बना लेते हैं, इसको आप ई टू द पावर क्या करते हैं एक्स कर लेते हैं, लॉग ऑफ क्या करते हैं एक्स कर लेते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट करके आप इसके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्थ आवर ऑर्गेनाइज बाई, अर्थ को अर्थ का जो घंटा होता है वो किससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था। देखिए बच्चे ने अपने जो उनको लगभग याद रहा है उसको उन्होंने बताया है, और ये बहुत ही बच्चे उनको हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, जितने सारे बच्चों ने हमें अपने क्वेश्चंस के बताए हैं कि हमने उन्हें क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा गया उनके द्वारा, ताकि क्या हो बच्चे ये दूसरे के भी हेल्प कर सके, ये जो क्वेश्चंस आपको बताया जा रहे हैं ये दूसरे के भी बच्चे को हेल्प कर सके, जिनों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनको यह हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना समय निकाल कर और इतना याद रहा उतना लिख कर इन्हें बताया, तो इनके लिए हम थैंक्सफुल बोलेंगे और आप भी इनको बच्चे थैंक बोलिएगा, ताकि आपको नहीं पता चल पाता बच्चे कि आखिर किस पैटर्न से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और आपको ये भी बताएंगे कि थोड़ा बच्चे ध्यानपूर्वक रखिएगा कि आपके जो जीडी के क्वेश्चंस हैं उसमें फिजिक्स में बच्चे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स में काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, और हमने आपको बताया भी था कि बच्चे कि फिजिक्स में बच्चे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाएंगे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछे जाएंगे, इस कारण से बच्चे हमने न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान दिया था। जो भी हमने आपके मैथ्स के टॉपिक पढ़ाए थे, 11th के टॉपिक पढ़ाए थे, उनके सभी न्यूमेरिकल्स में ध्यान दिया था, 12th के टॉपिक नहीं पढ़ा पाए थे बाद में बच्चे, क्योंकि कुछ रीज़न
हो गया था, ठीक है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि उन सभी को भी आपको वीडियो डाल दें कि नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा हो, ठीक है। अब हम नेवी के लिए स्टार्ट करने वाले बच्चे, नेवी के लिए बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर नेवी एमआर के लिए, ट्रेडमेंट के लिए, इन सभी के लिए थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, तो हम उसके लिए भी स्टार्ट करेंगे बच्चे। एयरफोर्स वाले का भी एग्जाम है बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों ने एयरफोर्स वाले के लिए भी कहा था कि सर एयरफोर्स का ही प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो सभी के लिए स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी सी समय की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन क्या है कि कहा जाता है कि -1200 × -16 × -21 ऑफ एक्स परसेंट, यानी इसका एक्स परसेंट निकालना था और ये इसके बराबर दिया जा रहा है, तो आपको एक्स का वैल्यू पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे बताए थे आपको बच्चे, कहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज के लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनके लिए ये सभी क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक बच्चा कह रहा है कि 1200 वाट एंड 200 वोल्ट का जरा एक वस्तु है जिसका 300 वोल्ट की कोई वस्तु में टोटल क्या कहता है करंट पूछा जा रहा है, धारा पूछा जा रहा है एम्पियर में, ठीक है। तो बच्चे ने लिखने की कोशिश किया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, क्या बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या है कि इन सभी के बच्चे मॉड निकालना था, क्या निकालना था, मॉड निकालना था, मीन मीडियन मॉड जो होता है ये आपको मॉड निकालना था। तो मॉड क्या होता है बच्चे, मॉड होता है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार रिपीट करे, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार रिपीट करेगा वही आपका मॉड होगा। और ये क्वेश्चन आपका क्या था बच्चे, सेकेंड शिफ्ट में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक आदमी 5% का डिस्काउंट देता है 20% की और से चित देता है तो उसे कितनी छूट मिलेगी, यानी कहने का मतलब परसेंटेज से क्वेश्चन था, बच्चों ने थोड़ा सा ठीक से नहीं लिख पाया है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन था, परसेंटेज से कुछ खास नहीं था। फिजिक्स के मोशन के क्वेश्चन थे, पार्ट फोर के यानी कहने का मतलब आपके फिजिक्स के जो मोशन चैप्टर है उससे क्वेश्चन थे, और हमने जो आपके पार्ट फोर के फिजिक्स क्वेश्चन करवाए थे मोशन चैप्टर के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, उससे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जाके उसको देखिएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। फोर्थ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे, फोर्थ से क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन थे फोर्थ से, तो आपको ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और, कि डोमेन और रेंज, ये देखिए डोमेन लिखना चाहिए था तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, डोमेन एंड रेंज क्या है, डोमेन एंड रेंज से एक क्वेश्चन था, और डोमेन एंड से क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, डोमेन एंड से क्वेश्चन कुछ खास नहीं होते हैं, ठीक है। आप कहिएगा बच्चे तो डोमेन एंड के जो आगे बने हुए बच्चों का जिनका एग्जाम बचा हुआ है उनके लिए हम डोमेन एंड पे क्या करेंगे बच्चे, एक आपको लेक्चर अरेंज कर देंगे, डोमेन एंड पे एक लेक्चर आपको मैथमेटिक्स के अरेंज करके दे देंगे जीडी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब एक क्रमचय समुच्चय के क्वेश्चन थे बच्चे, क्रमचय समुच्चय के क्वेश्चन थे, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन वाला भी क्वेश्चन था, तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया है पहले से भी। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, 3 क्वेश्चन थे, 2 एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन था, 3 इडियम्स थे, 1 2 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन थे, ईरर डिटेक्शन था 2, और 3 क्या थे बच्चे, ईरम एंड फ्रेजेस थे, ठीक है। क्या थे बच्चे, ईरम एंड फ्रेजेस, तो आइडम्स एंड फ्रेजेस थे आपके जो पूछे जाते हैं, तो इन सभी से यह क्या थे, इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या बच्चे पूछा जा रहा है, आज पूरे दिन का जो रिव्यू है हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और हम आपको लास्ट में बताएंगे बच्चे कि क्या आपके सैड न्यूज़ दिए गए हैं, क्या सैड न्यूज़ है जिसको सुनकर आप बच्चे बहुत चौंकिएगा और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और शांति से सुनिएगा, और आपको कोई भी डाउट आता है फिर सुनने के बाद बच्चे पूरा वीडियो देखने के बाद सुनने के बाद तभी आप क्या कीजिएगा, हमें कुछ भी कॉमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या आपका, ये आपके ऑकवर्ड के सिनोनिम्स थे, स्पॉटिंग इनर थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक्टिव वॉइस के 2 क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चंस, सभी में लगभग इसी टाइप के आकड़ा थे। किलोवाट वाले क्वेश्चंस थे, तो किलोवाट वाले आपको कितने सारे हमने क्वेश्चंस करवाया है, डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चंस थे आपको, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस थे आपको, कोई बड़ी इधर जा रहा है, कोई बड़ी इधर जा रहा है, फिर इधर मुड़ रहा है, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शन वाले, ठीक है। तो चलिए ये कुछ ज़्यादा खास हार्ड नहीं होता है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस का चीज़ होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए रहेगा डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे, रेशियो प्रोपोर्शन के 1 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 1 क्वेश्चन थे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक के कह रहे हैं बच्चे कि 2-3 के आसपास क्वेश्चन थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने आपको 11th सेक्शन 1 के भी ट्रिग्नोमेट्री बताया है 10th लेवल वाले, और सेक्शन 2 के भी ट्रिग्नोमेट्री बताया बच्चे 11th 12th वाले। तो हम आपको भैंसा बोलेंगे कि जो सेक्शन 1 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं डीवी वाले भी बच्चे, तो उनको क्या करना है कि सेक्शन 2 के जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके पहले 2 लेक्चर्स को जरूर देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बच्चे आपके सैंपल पेपर में थे जिसको हमने आपको करवाया था, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्या है, एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, आपके दही में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे फोर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उससे आपको क्वेश्चंस थे, तो आप ये हम आपको रिकमेंड करते हैं बच्चे कि सेक्शन 2 में जो हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करवाया है उसके 2 लेक्चर्स को आप देखिएगा, फर्स्ट 2 लेक्चर्स को देखिएगा, बेसिक्स पे है, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो बच्चे ये क्या था बच्चे, आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन के आज के रिव्यू थे, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जिस तरीके से, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जीडी में आपको फिजिक्स में बच्चे याद सुनिएगा ध्यान से कि जीडी में फिजिक्स पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स पे भी क्वेश्चंस ठीक है, जो हमने आपको सिखाया है पढ़ाया है उसी लेवल के क्वेश्चंस है, आपके जो सैंपल पेपर में है उस लेवल के भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कुछ क्या बताएं कुछ
आसान क्वेश्चंस भी है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी है, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस है, सभी टाइप के क्वेश्चंस है। तो चलिए, आपको फिजिक्स में हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था बच्चे कि न्यूमेरिकल है तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, इस कारण से हमने न्यूमेरिकल पे बच्चे ज़्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कुछ आपके जो सैड न्यूज़ थे उसको हम आपको बताना चाहेंगे, सैड न्यूज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये न्यूज़ आपको इसमें कहा जा रहा है कि आपको एक बच्चे ने क्या किया था, एक बच्चे के जो आधार कार्ड थे बच्चे उनके उस पर उनके फादर्स का नेम नहीं लिखा हुआ था, इस कारण से उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने ही नहीं दिया गया था, जबकि उन्होंने टेंथ का सर्टिफिकेट भी दिखाया था। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सर हमने टेंथ का सर्टिफिकेट दिखाया था, फिर भी उन्होंने क्या किया था बच्चे, उनको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही दुख की बात है और इसको हमने इसी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इस सेम आपको इनका जो कारण, इनका जो इनके साथ जो घटना हुई है इनको हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने शायद उस वीडियो को पूरा देखा ही नहीं पाया था। नो डाउट बच्चे ने वीडियो खोला और कुछ देर देखा, फिर बाद में उन्होंने उस बड़ी वीडियो को स्किप कर दिया और फिर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स हमें आने लगे, बहुत सारे कमेंट्स सर पूछने लगे, सर ये डाउट है ये डाउट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो कंप्लीट देखिए, तब कोई डाउट को पूछिए। देखिए हम आपको एक और कुछ डाउट दिखाते हैं बच्चे का क्या क्या डाउट था, उसी वीडियो में बच्चे ने डाउट पूछा था। देखिए आप वीडियो देखिए कम से कम, आपको फिर डाउट कोई नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा बच्चे। हम आपको जितने वीडियो बनाते हैं कोशिश करते हैं कि आपको उसके बाद वीडियो देखने के बाद कोई डाउट आपको नहीं आए, ठीक है। इन्होंने बच्चे कमेंट किया था तो बच्चे चार चार बच्चे ने और भी इसके अंदर कमेंट किए थे। तो देखिए यहाँ भी इन्होंने लिखा था कि सर मैं फॉर्म भरते समय मार्कशीट के नंबर गलत अपलोड कर दिया था, तो क्या करूँ सर जी। ठीक है, तो मार्कशीट का नंबर आपने गलत जब अपलोड कर दिया था वहाँ पे, तो कोई बात नहीं कि आपको एग्जामिनेशन तो दिया देने जाएगा, एग्जामिनेशन तो देने दिया जाएगा, लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते हैं, जब एग्जामिनेशन आप निकाल पाते हैं, तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है क्या बच्चे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। लेकिन क्या करना है बच्चे, आपको इसके लिए बोलते हैं कि आपको कहिएगा तो एक डाउट सेशन डाल देंगे, आपको लाइव डाउट सेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि लाइव डाउट सेशन रहेगा तो बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एक और बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था, क्या कहें 15/5/2002 से कि 15/6/2002 हो गया है इनका, ठीक है। तो इनको भी प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एडमिट कार्ड पे ही प्रॉब्लम चेंज है आपका, क्या देखिए एडमिट कार्ड पे ही आपको ये डेट है और जबकि आपका ओरिजिनल इनके डॉक्यूमेंट्स में क्या है, ये आपका डेट है, ठीक है। तो इनको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम किया जा सकता है, अगर बारीकी से चेक हो रहा है बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर बारीकी से क्वेश्चंस चेक किया जा रहा है, तो इस कारण से क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चे का कहना है कि सर मेरा आधार कार्ड में फादर्स नेम चलिए थे, यही उनका रीजन था, एक क्वेश्चन था, सॉरी क्या था उनका ये डाउट था, तो इसको हमने आपको बता दिया। तो उनका टेंथ सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी इनको यहाँ पे नहीं लिया गया है, नहीं अंदर एग्जामिनेशन देने दिया गया है, जबकि बच्चे की टेंथ के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम होते हैं और आपके एडमिट कार्ड में भी फादर्स नेम होते हैं, फिर भी नहीं जाने दिया गया है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन फिर भी इस कारण से आपको बोलते हैं कि हर चीज़ करेक्ट होना चाहिए, आपको कोई भी अगर त्रुटि है आपको, तो हो सकता है कि आपकी एग्जामिनेशन में अंदर नहीं एग्जाम देने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को निकाल दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये बिल्कुल सैड न्यूज़ है, क्योंकि बच्चे इतने मेहनत से पढ़ते हैं और एग्जाम देने जब नहीं जा पाते हैं तो ये बहुत दुख की बात होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये आपको एग्जामिनेशन के रिव्यू थे और आपको जो प्रॉपर प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है बच्चों के द्वारा उसको हमने बता दिया कि आपके द्वारा कोई इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं हो। कोशिश कीजिएगा बच्चे कि जितना हो सके हमारे द्वारा सब क्लियर रहे, जो डॉक्यूमेंट बताए हैं हमने आपको, डॉक्यूमेंट के लिए दो दो वीडियो बताया है कि एक डॉक्यूमेंट की ओवरऑल कैसे कैसे डॉक्यूमेंट ले जाना है, और एक वीडियो में पूरा बताया कि हमने ओवरऑल टोटल डॉक्यूमेंट्स कैसे ले जाना है, ठीक है। तो ये जो आपका वीडियो है, ये जो वीडियो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम कैसे होगा, सॉरी बच्चे एग्जाम कैसे होगा, ये जो वीडियो इसमें हमने आपको बताया कि एग्जाम कैसे होगा, तो और आपका यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो इस वीडियो में आपको ओवरऑल क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं लास्टली वो हमने आपको सिखाया है, आपको बताया है, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।